फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल ओनली वेज रसोई पे बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ एक बहुत ही स्वीट रेसिपी लेकर आए हैं, जो रसमलाई है, जो बच्चे से लेके बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आती है। लेकिन अभी हम बाहर से नहीं मंगा पा रहे हैं, तो इसलिए हम घर पर बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाएंगे। बिल्कुल सॉफ्ट और रसीली रहेगी, खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिएगा तो आप बार बार घर पर ही बनाना चाहेंगे। इसलिए आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भूलिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दूध लिया है, ये मैंने पैकेट वाला अमूल दूध लिया है। आप चाहे तो गाय का दूध भी यूज़ कर सकते हैं या दूसरी कोई दूध पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इस दूध को पतीले में डाल दूंगी। मैंने कुल 2 लीटर दूध लिया है, आपको जितना बनाना है आप उस हिसाब से ले सकती हैं। मैंने गैस पे दूध गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, मैं इसे एक उबाल आने तक बस पकाऊंगी। दूध में उबाल आ चुका है, अब मैं इसमें विनेगर डाल दूंगी। ये मैंने कुल 3 बड़े चम्मच विनेगर लिया था, जिसमें मैं उतना ही क्वांटिटी में पानी डाल दूंगी। और अब मैं इसे धीरे धीरे करके इसमें डालूंगी, एक साथ सारा नहीं डालूंगी और इसे चलाते भी रहूंगी। ये देखिए हमारा दूध फटने लगा है, पनीर बिल्कुल अलग हो रहा है। मैंने यहाँ एक बड़ा बर्तन लिया है, जिसमें मैंने छन्नी डाल दिया है और उसके ऊपर मैंने एक कॉटन कपड़ा रखा है। अब मैं इसमें फटा हुआ छेना डाल दूंगी, जिससे इसका पानी बाहर निकल जाएगा और केवल छीना रह जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा पानी भी डाल दूंगी, जिससे पनीर साफ हो जाएगा और इसमें सिरका का स्मेल भी रहेगा। मैंने छीना को पानी से अच्छी तरह साफ कर लिया है और अब मैं इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दूंगी और इसे 15 से 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे तक मैं इसे रहने दूंगी, ताकि इसका जितना मॉइस्चर है वो पूरा हट जाए, हमें बिल्कुल भी उसमें मॉइस्चर नहीं चाहिए। मैंने अपना पनीर निकाल लिया है, अब मैं इसे अच्छे से मैश करूंगी। हमें अपनी छेना को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, इसे मैं हाथों के इस भाग से बिल्कुल अच्छे से मैश करूंगी। मैंने छेना को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है और बिल्कुल सॉफ्ट ये बनके रेडी है। अब मैं इसमें मैदा डालूंगी 2 चम्मच। आप इसकी जगह पर कॉर्नफ्लावर या फिर अरारोट पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते समय बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि बिल्कुल अच्छे से मसलना चाहिए, वरना ये सॉफ्ट नहीं बनेगा। मैंने छेना को बिल्कुल अच्छे से मसल के और रेडी कर लिया है। इसे चेक करने के लिए मैंने छोटा सा बॉल लिया और अब मैं इसे गोल करूँगी। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है। अब हम चाशनी रेडी करेंगे। चाशनी रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और अब मैंने इसमें चीनी भी डाल दिया। हमें इसके लिए कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, जितनी क्वांटिटी हमारी वाटर की रहेगी उसकी हाफ चीनी होनी चाहिए। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी, एक बार चला दूंगी ताकि नीचे बैठ ना जाए चीनी, और चीनी मिक्स होने तक इसे अच्छे से पका लूंगी। तब तक मैं अपने बॉल्स रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने छोटा छोटा बॉल्स लिया है, आप बड़े बनाना चाहे तो बड़े बॉल्स ले, छोटे बनाना चाहे तो छोटे बॉल्स ले। और अब मैंने इसे गोल करके और इस तरह फैला दिया। मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ, इससे पहले हमें सर्कल करना है और फिर इसे एक बार प्रेस कर देना है।
ज़्यादा पतला नहीं करेंगे हम। इसी तरीके से मैं अपने सारे बॉल्स रेडी कर लूँगी। मैंने अपने सारे रसमलाई बनाकर रेडी कर लिए हैं। हमारी चाशनी भी अब लगभग रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें अपने सारे रसमलाई डाल दूंगी। मैंने सारे रसमलाई डाल दिए हैं। अभी हमें इसे टच नहीं करना है, ये जब अपने आप ऊपर आ जाएगा फिर हम इसे हल्का हिलाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे रसमलाई को कुल 25 मिनट तक अच्छे से उबाल लिया है और अभी बिल्कुल रेडी है। तो मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। मैंने दूध भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। मैंने इस दूध को पहले ही गाढ़ा कर लिया है, लेकिन मैं इसे भी गर्म कर ले रही हूँ। मैंने यहाँ साइड में थोड़ा सा दूध लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ कलर के लिए। अगर आप चाहें तो फूड कलर का यूज़ कर सकते हैं, या केसर है तो केसर का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास केसर नहीं है तो मैं हल्दी का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं उस मिक्स किए हुए दूध को इस दूध में डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि हमारा ये दूध अच्छे से कलर पकड़ लिए। अब मैं दूध में चीनी डाल दूंगी। मैंने एक कटोरी चीनी ली है और अब इसे मिक्स करके अच्छे से मैं चीनी को डिजोल्व करने दूंगी। साथ में मैं इसमें फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल रही हूँ, इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी और अच्छे से इसे पकने दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने दूध को अच्छे से उबाल लिया है। अब हम अपने सारे रसमलाई को डालेंगे। तो पहले जो हमारी रसमलाई है उसका हम सारा रस हटा देंगे हाथों से दबाकर, और इसे फिर एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने अपने सारे रसमलाई को निकाल लिया है। अब मैं अपने रसमलाई को सर्विंग बाउल में डाल दूंगी। और अब इसके ऊपर मैं अपना तैयार किया हुआ रबड़ी डालूंगी। हमारी रसमलाई बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर मैं थोड़े से बादाम डाल दूंगी गार्निशिंग के लिए। देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही डिलीशियस लगता है खाने में। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स लिखना बिल्कुल भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।